सुंदर साज जी प्रणाम। सूरत हक इश्क के मगज का बेसक, हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्ज की, हक बका वतन रूह अल्लाह ने जाहिर किया, कहूं सुनिया ना एते दिन। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साज जी, धाम दनी अच्छा तीत ने श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके जो दुख की अभिव्यक्ति इस प्रकरण में की है, वो बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पहले की बात करूंगी। किस तरह से धामदनी अचना जी ने कलश ग्रंथ में कहा है, अंदर के जब लिए अर्थ तो नेचे होसी प्रकाश जी, जब इन विधे जागी वासना वर्था न जाए एक श्वास जी। कि सुंदर साज जी, हम वाणी पढ़ते तो हैं लेकिन वाणी में धामदनी ने क्या कहा है, उन अंदर के अर्थों को हम नहीं समझते। कि जब हम अंदर के उन बातिन अर्थों को समझते हैं तो निश्चित रूप से हर रूह के अंदर सभी व्रत रखते थे लेकिन उन्होंने व्रत नहीं रखा और द्वादशी के दिन व्रत रखा और फिर सबके विरोध करने पर कितना सटीक उत्तर दिया। तो सुंदर साज जी, हम इन बातों को तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन ये नहीं देखा कि उसके बाद जब धामधनी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए, उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस वो इतना कह पाई कि मेरी आत्मा साक्षी दे रही है कि तुम मेरी आत्मा के प्रीतम हो, लेकिन इसके बाद मैं कौन हूं। धामधनी ने पहचान कराई कि तुम सुंदर बाई हो, किस तरह से तुम इस खेल में आई हो, तुम्हें किस तरह से सभी रूहों को लेकर के वापिस आना है। तो अगर भागवत सुनने से ही ये पहचान हो जाती तो हमने कहां लिया। अब इंद्रावती जी क्या क्या कह रही हैं, क्या कहा है उन्होंने वाणी में, क्या कहा है धामदनी ने, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग। कि मैं इंद्रावती के साथ, जो इंद्रावती को अपना दिल सौंपेगा तो मैं उन्हें प्रेम में डुबो दूंगा। अब जो ये खिलवत की वाणी है ये तो हर आत्मा को आनंद में डुबोने वाली है। किस तरह से अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना हो तो ये वाणी एक सोपान है, एक सीढ़ी है, इसके द्वारा हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो सुंदर साज जी, किस तरह से अब हम देखते हैं कि किस तरह से धामदनी अचरा तीत ने क्या कहा। लेकिन अब क्या कहते हैं कि प्राणनाथ जी चले गए इंद्रावती जी के अंदर, जिन जुगल स्वरूप ने ये लीला की थी, पांचवें दिन की लीला उस तन से की थी, तो किस तरह से वो आज भी कहां पर हैं, गुम्मट जी में विराजमान हैं, वो हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं गए। तो इन अब क्या कहा, दई में तुमको कुलजम और करी सब तरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागी सभी सुबे शक। कि धामदनी, ये जो धामदनी अचरातीत ने हमें श्री कुलजम स्वरूप की वाणी दी, क्या कहा कि इस वाणी के देने के पश्चात जो बाकी ग्रंथ हैं वो तो तुम्हारे प्रमाण के लिए हैं, वो सब ग्रंथ अब मैंने वो रद्द है, यानी कि उनका कोई अब महत्व नहीं आप लोगों के लिए, तो मेरे कलाम को पढ़ो तो तुम्हारे सभी सुबह शक मिट जाएंगे। अब क्या इंद्रावती जी पांचवें दिन के लीला में थी, अब भी हमारे साथ हैं, अब भी धामदनी अचरातीत श्री प्राणनाथ जी हमारे साथ ही हैं, पल पल उनकी नजर हमारे ऊपर है, वो हमें देख रही हैं। क्या कहा है, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चढ़ने आए तो पहुंचे सही, पिछले साथ कारण वाणी कही। कि उस समय जो मोमिन उनके साथ थे उनको तो धामदनी के दर्शन हुए, उन्होंने परम धाम के दर्शन किए, लेकिन उनके अंदर क्या था कि अब पिछला साथ कैसे आएगा, उस कारण से ये वाणी कही गई है। तो अगर हम इस वाणी को समझेंगे ही नहीं,
इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं, हम इसके अंदर के अर्थ लेंगे ही नहीं, तो हम कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि अब देखो ये जो प्रकरण है इसमें क्या है, हक इश्क के मगज का बेसक। इससे पहले चपाई आती है, मामत रूहो हक सो हुआ, बहस इश्क वास्ते सो इश्क बिना क्यों पैटिए बीच हक अर्श के। श्री मामत जी कहती हैं कि हे रूहों, किस तरह से जब हम इस खेल में आए थे तो हमारा हक से क्या बहस हुई थी, क्या रदबदल हुई थी, इश्क के लिए कि इश्क हमारा बड़ा है। तो धामधनी कहती हैं कि अब बिना इश्क के कोई भी रूह जो है वो परमधाम में प्रवेश कर नहीं सकती। तो सारी बातें आपने जानी कि धनी जी को किस तरह से बिना इश्क के हम पा नहीं सकते। अब यहाँ पर इस प्रकरण में 100 चौपाई हैं, 100 चौपाइयों में 30 चौपाई ऐसी हैं जिसमें हाय हाय शब्द आया है। अब बात देखो कि ये शब्द कब बोलते हैं, जब अति हो जाए, जब किसी को बहुत समझाएं, बार बार समझाने पर भी वो ना समझे तो क्या कहते हैं, हाय हाय तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया, अभी तुम्हारी ये बात पल्ले नहीं पड़ी, तो क्या है, हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श के। अब धामधनी अच्छा चीज जो अर्श की रूहे हैं उनसे कह रहे हैं कि है रूहों तुम किस प्रकार से हक बका वतन, कि है अर्श की रूहों तुम धामधनी जो अखंड परम धाम है उसके बारे में सारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी जो रूहल्ला ने जाहिर किया, कहूँ सुनिया न एते दिन, जो शमा मरानी ने जाहिर किया था जो आज तक कभी भी किसी ने सुना नहीं। तो देखो त्रिलोकी त्रैगुण में कहूँ न बेशक इलम, कहते सो हके भेज्या तुम पर, देखो इश्क खसम। कहते हैं इस त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों लोकों में किसी के पास भी जो इलम नहीं था वो धामधनी अचरातीत ने किस तरह से वो तुम्हें वो ज्ञान दिया। ये धनी का इश्क नहीं तो क्या है, ये धनी का इश्क ही तो है जो उन्होंने, कहते 14 तबकों में नहीं रू अल्लाह का इलम सो दिया एक तोही को करके मेहर खसम। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में अब तक जितने भी ग्रंथ हुए, जितने संत हुए, जितने तीर्थंकर हुए, अवतार हुए, ऋषि हुए, जो कब से खोज रहे थे परमात्मा को, हर ग्रंथ में बताया था कि परमात्मा है, लेकिन वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, इसके बारे में कोई भी जानता नहीं था। तो धामधनी अचरातीत ने किस तरह से ये सब बातें जाहिर करी। कहते हैं ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज में प्रेम हो तो लचबिन, तो कहते हैं तो लच ले आए रू अल्लाह अव्वल नाथा आखिरी इलम पूरन। जब हम ब्रज और रास में आए थे प्रेम था लेकिन लचबिन था, पहचान नहीं थी, ब्रज में तो बिल्कुल कोई पता नहीं बिल्कुल भी, और रास में थोड़ी पहचान हुई कि यह हमारी आत्मा की प्रीतम है, लेकिन परम धाम की पहचान तब भी नहीं हुई। तो कहते हैं कि किस तरह से अब कौन लेकर के आए वो लक्ष्य, तारतम ज्ञान के द्वारा स्वयं क्षमा महारानी वो सारा ज्ञान लेकर के आई और हमें बताया, लेकिन ना था पूरन इलम, वो कौन लेकर के आए, वही रूह अल्लाह क्षमा महारानी दूसरे जामे में उन्होंने वो ज्ञान यहाँ पर दिया। तो किस तरह से राजी धामधनी अचरातीत बता रहे हैं हमको कि अभी इसी प्रकरण में आगे आएगा, हाय हाय इश्क हक का समझे नहीं मोमिन। कहती है तो ना ये तो थी अरवाहें अर्श की पर दिल ना हुआ रोशन। कहते इतना बताने के बाद देखो शुरू से आप रास ग्रंथ से पढ़ते हो, रास में भी प्रेम की बात की है, कलश में भी आत्मा की जागने की बात की है, प्रकाश ग्रंथ में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पहचान की बात की है। किस तरह से धामधनी ने हमें आगे जो ये वाणी है ना, ये जागृत बुद्धि का ज्ञान है, और किस प्रकार से अब जो ये
किताब है, खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, सिंगार है, ये क्या है? तारतम का भी तारतम, जो हमें कहते हैं अभी, जो हमें बिल्कुल पूर्ण पहचान धामधनी अचरातीत की देने वाली है। अभी दो दिन पहले स्वामी जी ने चर्चा की थी, इसमें बताया था कि हम जब कहते इश्क से पहचान होती है, तो इश्क तो परम धाम में था, बहुत इश्क था, लेकिन पहचान तो नहीं थी। पूर्ण पहचान कहाँ थी? राज्य के दिल के गुज भेद किसी को पता नहीं थे, जो बताने के लिए वो आतुर थे कि मेरी रूहें वो जानती नहीं है, ये मेरी अर्धांगनी है, इनको जानने का अधिकार है, वो किस तरह से हमें यहाँ पर लेकर के आए। अब यहाँ पर इलम ले आए, अब इलम इतना प्राप्त करने के पश्चात, चाहे हमने पूरा श्री कुलजम स्वरूप वाणी को पढ़ लिया, सारी चौपाइयों को पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी क्या है, वो पहचान नहीं हुई। तो पहचान तो ना इल्म से होगी ना इश्क से होगी, कब होगी? जब धनी देंगे। कहते हैं कि किस तरह से, कहते हैं कई कई वाणी उतरी इश्क वास्ते, कई करी पुकार, तो रूहें इश्क के वास्ते हाय हाय हुई ना खबरदार। कहते कितनी वाणी उतारी, किस लिए? रूहों के लिए, ताकि वो इश्क के बारे में जान जाएं, उन्हें इश्क के बारे में पता लग जाए। लेकिन धामधनी को कितना दुख हो रहा है कि रूहें अब भी खबरदार नहीं हुई। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं किस तरह से, मैं छोड़े सुख छपन के नजरों आए सुख अखंड, कहते और किस प्रकार से मैंने ये सपन के जो सुख थे सारे छोड़ दिए, क्योंकि मुझे अखंड सुख नजर आने लगे। किस प्रकार से जब बिरा उपजा धाम का फिर हो गई आग ब्रह्मांड। तो सुंदर साथ जी, अब ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि इंद्रावती जी को तो अखंड सुख नजर आ गए थे, अगर हमें भी थोड़े से परम धाम के सुख नजर आ जाएं, तो हम भी इस सपन के ब्रह्मांड को छोड़ देंगे, आता है ना? लेकिन हम देखें, क्योंकि क्या कहा है, कहते इश्क क्यों ना उपजे रूहों करना सोई उद्यम। कहते कि इश्क उत्पन्न क्यों नहीं होगा, हमें क्या करना है? हमें वही प्रयास करना है, जो राह हमारे हादियों ने चल के दिखाई, हमें उसी राह पर अपने कदम बढ़ाने हैं। अब इंद्रावती जी ने तो सब कुछ छोड़ दिया, कितनी कसनी कसी। धनी श्री देवचंद जी ने आपने देखा कितनी खोज की, कितनी खोज करने के बाद कितनी भागवत सुनी, फिर कितनी कसनी हुई उनकी, फिर उनको दर्शन हुए। और हम तो थोड़ी सी कसनी हो, थोड़ा सा कष्ट आए, एकदम घबरा जाती हैं। वो क्या कहती है, मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ा करे जाते धाम, विरा उपजा जब धाम का मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड। मैं आग देऊं तिन सुख को, कहते मैं उन सुखों को जो माया के सुख हैं, जो मुझे धाम जाने में बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, मैं उन सुखों को आग लगाती हूं। तो क्या हम उन सुखों को छोड़ पा रहे हैं? उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया ना, एक सेकंड लगाया धर्म के लिए, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, सोचा भी नहीं कि मैं उस पत्नी का, जो मेरी पति व्रता पत्नी है, जिसकी कोई गलती भी नहीं है, जिसने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, और मैं किस तरह से उसका त्याग कर रहा हूं। लेकिन हमसे तो थोड़े समय के लिए भी वो सुख छोड़े नहीं जाते, हम कहाँ छोड़ पाते हैं। उन्होंने तो एकदम उन सुखों को तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया, क्योंकि उनके अंदर धाम का विरह उत्पन्न हुआ। उन्होंने न पिंड को देखा, न ब्रह्मांड को देखा। सुंदर साथ जी, ना तो हमसे ये शरीर छूट रहा है और ना ही ब्रह्मांड छूट रहा है, क्योंकि इस शरीर से भी बहुत मोह है। इस शरीर को भी हम पालने में लगे हुए हैं कि शरीर को कोई दुख ना पहुंचे, क्योंकि क्या कहा है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर।
ये तो हद का ब्रह्मांड है, हमसे तो हद का ब्रह्मांड ही नहीं छूट रहा, फिर आगे कैसे पहुंचेंगे? परम धाम पहुंचने की बात तो बहुत ऊंची है ना, बहुत आगे की है। हमसे ना पिंड छूट रहा है और ना ब्रह्मांड छूट रहा है। तो सुंदर साथ जी, किस तरह से धामधनी ने हमें श्रृंगार ग्रंथ में भरपूर आनंद दिया, सारे अपने अंगों का वर्णन, उनके वस्त्रों का वर्णन, उनके आभूषणों का वर्णन, सारा वर्णन किया जो आज तक किसी के पास नहीं था, जो कोई जानता नहीं था। हम श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से किस तरह से सब जान सकते हैं और किस तरह से हमें परम धाम के चप्पे चप्पे की एक एक गली की जानकारी दी, हमें बताया किस तरह से परम धाम जो है वो कैसा है। हमें आज हम यहीं बैठ कर के वहाँ पूरी पूरी लज्जत दे सकते हैं परम धाम की, किस तरह से इस दुख के ब्रह्मांड में बैठ करके, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में बैठ करके धामधनी अचरातीत हमें परम धाम के सुख दे रहे हैं, किस तरह से हमें, क्योंकि अब इस वाणी के माध्यम से ही हम जान पाए हैं कि वास्तव में धनी का इश्क क्या है। वहां तो पता नहीं था, वहां बोल दिया इश्क मेरा बड़ा है, क्योंकि वहां वाइदत है, धामधनी के दिल में था इश्क मेरा बड़ा है, सभी सखियों के दिल में आ गया इश्क मेरा बड़ा है, सबने बोल दिया। लेकिन यहाँ आके पता लगा, अब यहाँ आके कितना दर्द होता है जब वाणी पढ़ते हैं और वाणी में पता लगता है कि किस तरह से धामधनी हमारे लिए कितने स्वरूप धारण करते हैं, किस तरह से वो खूब खुशहालियों का रूप धारण करते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए, हम फल तोड़ते हैं सब रूहें, या वो क्या करते हैं, बंदर बन के आ जाते हैं और टोकरी पकड़ लेते हैं यहां से। लेकिन वहां तो ये पहचान नहीं थी ना। अब धामधनी अचरातीत जब ये वाणी लाए तो इस वाणी के द्वारा हमें उसकी पहचान हुई। अब इसी में क्या कहा है, कहते हैं वाणी सेती हारिए, वाणी से इश्क सेती हारिए, इश्क सेती जीतिए। कहते हैं कि इश्क अगर परम धाम का नहीं आया तो समझो आपकी हार हो गई, अगर परम धाम का इश्क आ गया तो समझो आपकी जीत हो गई। कहते इश्क से इश्क ना आवे ही, कहते ऐसा नहीं है, सूफी संत क्या बोलते हैं कि इश्क से इश्क आता है, कि अगर हम अपने परिवार वालों से, हमें सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं तो क्या है, हमारे अंदर परमात्मा के प्रति अपने आप इश्क पैदा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो बहुत से लोग अपने परिवार वालों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत यानी कि उनका आपस में बहुत प्रेम है, तो फिर तो सबको परमात्मा के प्रति प्रेम आ जाना चाहिए था, नहीं आया ना। तो सुंदर सा जी, धामधनी अचरातीत हमें क्या कहते हैं कि वो तो हम चाहते हैं थोड़ा सा इश्क, वो तो पूर के पूर चलाना चाहते हैं कि मैं इन्हें इतना इश्क दे दूं, इतना प्रेम दे दूं कि ये लबालब भर जाए। लेकिन हम भी तो उसके पात्र बने। क्या कभी सुना है आपने कि कोई भी पिता अगर उसका बच्चा शराबी है, अय्याशी है, गलत राह पे चलता है तो अपने घर की सारी संपत्ति उसे सौंपता है? तो धामधनी अचरातीत जो भी परम धाम से न्यामते लेकर के आए हैं वो किसके लिए लेके आए हैं? हम सब रूहों के लिए, हम सब रूहों को देने के लिए। अगर धामधनी वो हमसे क्या इश्क छिपाएंगे, क्या वो इश्क हमें देंगे ही नहीं? कहते कि जब इलम भी है ना, इलम भी कब आएगा, जब धनी देना चाहेंगे। कहते हक बातन की बारीकियां, हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए, हक मेरे पावत। जो इलम है, हम कितना भी वाणी पढ़ते रहें लेकिन उस वाणी के गुज अर्थ हमें धामधनी की मेहर के बिना प्राप्त नहीं हो सकते, हमें उनके अर्थ पता नहीं चल सकते। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी रूह जो है वो अपने आप को जगा नहीं सकती जब तक राजी खुद इलम को हुक्म ना करे, जब तक हके इलम को कहां नहीं समझाए
तब तक रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। जब तक राजी इलम को हुक्म नहीं देते तब तक रूह अपने आप को जगा नहीं सकती, कितनी भी कोशिश करे। राजी ही आदेश करते हैं कि हाँ अब रूह इस लायक हो गई, क्योंकि इश्क से इलम आता है और इलम से इश्क आता है ना। दोनों कहें एक दूसरे के, इन दोनों का डोली चोली दामन का संबंध है। क्योंकि जब हम दामदनी अच्छा तित की वाणी पढ़ते हैं, वाणी से हमें उनकी पहचान होती है, तो फिर हमें उनसे प्रेम होता है। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं, देखो खिलवत ग्रंथ में भी शुरू के 5 प्रकरण क्या है, मैं खुदी के प्रकरण है कि जब तक मैं खुदी दूर नहीं होगी तब तक कभी भी हमारे अंदर इश्क आ नहीं सकता। क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पण नहीं करेंगे तब तक कभी भी हमारे अंदर, हमें पहले अपनी मैं को मारना होगा, उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा, तभी हमारे अंदर वो दामदनी का इश्क आ सकता है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, दामदनी अचरा तीत तो इश्क के भंडार है, लेकिन हम उनसे चाहते कब हैं? वो तो सुख के सागर है, सुख के निदान है, लेकिन हम सुख के निदान अचरा तीत की बजाय क्या करते हैं? हमें मालूम है कि माया क्या है, माया दुख का निदान है, दुख देने वाली है। इस माया में कोई सुख नहीं है, इस माया में कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी किसी को आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम माया में लगे हुए हैं। हम कहां माया को छोड़ना चाहते हैं, हमसे माया छूटती नहीं है। हम कब चाहते हैं कि इस माया को छोड़ करके जो सुख का निधान है उसे अपने दिल में बसा ले, उन्हें अपने दिल में, अपने अंदर, उन्हें अपने अंदर बसाएं। तो दामदनी अचरा तीत किस प्रकार से, देखो श्री इंद्रावती जी ने क्या कहा, ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपनो मोहे यही सो मुद्दाए। उन्होंने बुजुर्ग की नहीं चाही, उन्होंने ये नहीं चाहा कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे खुदा बना दे। उन्होंने क्या कहा कि मुझे अपना इश्क दो। लेकिन आज क्या है, आज हम थोड़ा सा में वाणी आ गई तो हम क्या चाहते हैं, बुजुर्ग की। इतना ज्ञान होने के बाद भी, जबकि दामदनी ने सारा हमें इस वाणी के माध्यम से समझा दिया, बुजुर्ग की मारे रे साथ जी, बुजुर्ग की मारे, जिन बुजुर्ग की लई साथ में तिनको कौन उभारे। ये बुजुर्ग की किस तरह से व्यक्ति का विनाश कर देती है, किस तरह से हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारी हर चीज की परीक्षा होनी है, ईमान की भी परीक्षा होनी है, इश्क की भी परीक्षा होनी है। कहते हैं श्री महामती कहे परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंगों के, आए पहुंचे इश्क अव्वल। कहते हैं कि ये परीक्षा है, कहते हैं कि किस प्रकार से सारे विकार जब अंगों के छूट जाएंगे तब तक इश्क नहीं आ सकता। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जितने भी विकार भरे हुए हैं वो सब विकार छूटेंगे। पहले निर्मल होना है, अपने अंदर को निर्मल किए बिना कभी भी हमारे अंदर, क्योंकि इश्क है कौन, इश्क है क्या, आप परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ोगे इश्क कौन है, शब्दातीत, वो अचरातीत, वो धामदनी, वो स्वयं इश्क का स्वरूप है। जैसा साहेब बुजुर्ग तैसा बुजुर्ग इश्क, दिल दे अपना देखिए तो पाइए सुख हक माफक। जैसा राजी दामदनी अचरातीत बुजुर्ग हैं, ऐसा ही उनका इश्क भी बुजुर्ग है, बहुत बड़ा है। तो हमें जब तक अपना दिल नहीं देंगे तब तक हम क्या है, सुख नहीं पा सकते। अपना दिल दे देंगे, अपना दिल सौंप देंगे तो हमें वही सुख भेजे मिलेंगे। जो रूह उन परम, देखो पहले कलश में बोल दिया था, यही अपनी जागनी जो याद आमे नहीं सुख, याही से इश्क आवे, याही से, कहते कि किस प्रकार से ये अपनी जागनी है। जब हम अपने असल को, हम परम धाम के सुखों को याद करेंगे तब क्या होगा, तभी हमें वो इश्क आएगा,
जब हमें याद आएगा निस्दिन रंग समोहल में संग श्यामा जी श्याम। कहते जब हम निस्दिन रात दिन श्यामा जी के साथ राज्य के साथ वो लीलाएं करते थे, याद करो सुख सब अंगों जो लेते आठो याम। जो हम आठों पहर परम धाम में वो अचरा तीत के सुख लिया करते थे, इतना आनंद लेते थे जब वो मानिक पहाड़ के सुख, पुखराजी पहाड़ के, होज कोसर तालाब के सारे सुख, जो हम कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में धाम धनी के साथ वनों में विहार करते थे, जो सुख लेते थे वो सुख हमें याद आएंगे तभी इश्क आएगा। कहते ये बारीक बातें इश्क की क्यों कर समझी जाएं। कहते ये बहुत बारीक बातें हैं हक की, ये कैसे समझी जा सकती हैं। कहते अपना किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। कहते हक के इश्क, हक के दिल का इश्क क्यों कर आवे माहे बूझ। जो हक के दिल का इश्क है वो हमारी बुद्धि में नहीं आ सकता, हम उसे बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। हक देवे तो आवही इश्क का यही गुज, इसमें हमें ये गहरा रहस्य बताया है धाम धनी अचरा तीत ने। ये इश्क कब आएगा, जब हक देंगे, जब हक देंगे तभी हमें वो इश्क आएगा, नहीं तो हमें वो इश्क नहीं आ सकता। क्योंकि हमें क्या है, हम सब रूहे मूल मेले की लज्जत को, उन सुखों को भूल चुकी हैं, हमें वो सुख याद नहीं है। अब जो सुख, जो कोई रूह यहाँ पर जागृत हो गई है उसे धामधनी वो लज्जत दे रहे हैं, उसे परम धाम के सुख दे रहे हैं। तो धामधनी अचरातीत जो हैं वो इश्क का सागर है, प्रेम का सागर है, भरपूर आनंद सब पर लुटाने वाले हैं। लेकिन पहले हमें अपने उन्हें अपने अंदर बसाना होगा, क्योंकि अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे जो होवे अरबा अर्श की फैल लिहाल दिखाए। कहते अब समय कौन सा आ गया है, रहने का। हमें जो परम धाम की अंगना होगी वो क्या करेगी, फैल लिहाल दिखाए, फैल लेकर के अपनी रहनी में आ जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ना तो इलम धाम धनी के बिना आने वाला है, ना ही इश्क धाम धनी के बिना मिलने वाला है, और ना ही रहनी आने वाली है। क्योंकि कौल क्या है, सिंगार ग्रंथ में बोल दिया है, कौल ये वाणी है, श्री कुलजम स्वरूप वाणी जो है ये कौल है, और इसे पढ़ करके चितवनी में लग जाना ये हमारा फैल है। तो जब तक हम कौल के द्वारा, इस वाणी के द्वारा चितवनी में नहीं डूबेंगे, तब तक हम समझो करने में नहीं आए, हमारे अंदर फैल नहीं आया। तो जो अरबा अर्श की, जो परम धाम की अंगना है, वो किस तरह से हाल ले फैल, हाल फैल ले हाल दिखाए, चितवनी कर करके धाम धनी अचरा तीत को अपने हृदय में बसा लेगी। तो जब तक वो हमारे हृदय में बसेंगे ही नहीं, देखो सब बातों की एक बात, पूरी वाणी का एक ही सार, रात से लेकर के क्यामत नामा तक किस प्रकार से श्रद्धेय श्री स्वामी जी द्वारा लिखी हुई जो किताब है चितवनी की महिमा आपको बता रही है कि हमें शुरू से आखिर तक धाम धनी ने चितवनी की ओर संकेत किया है कि हमें चितवनी में लगना है। जब तक हम चितवनी में नहीं लगेंगे, हम उस धामधनी अचरा पीत को अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, तो हम कभी भी ना तो रहने में आ सकते हैं, और ना ही हमारे अंदर वो इश्क आ सकता है, और ना ही पूरी इलम की गुज बातें हमारी समझ में आ सकती हैं। तो सुंदर साथ जी, समय पूरा हो रहा है, मन तो है आगे और बात करने का इश्क के बारे में, लेकिन आप इतना ही स्वीकार करें। कहते हैं श्री महामति कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो वर्तत सो सब इश्क हक का जो पल पल मेर करत। महामति जी कहते हैं हर पल जो तुम्हारे साथ बीत रहा है वो धनी का इश्क ही तो है, और क्या है, वो धनी इतना इश्क करते हैं हमसे, इतना प्रेम करते हैं हमसे, लेकिन हम समझ नहीं रहे, हमें ये माया प्यारी लग रही है। तो सुंदर साथ जी, इस माया को पेट दे करके इस वाणी के द्वारा हम चितवनी में आ जाएं, समझ करके हर बात को,
जब तक हम इन बातिन अर्थों को नहीं समझेंगे तब तक हम इसे नहीं पा सकते। तो चितवनी में आकर के किस तरह से हम धाम धनी अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बैठाएं।